बिहार व झारखंड की महिला चिकित्सकों का 3 दिवसीय सेमिनार के पहले दिन उद्घाटन सत्र का आयोजन हुआ। कार्यक्रम 11 नवंबर, 12 नवंबर व 13 नवंबर को आयोजित होना है, जिसमें से 11 नवंबर को सर्जरी डिपार्टमेंट में कार्यशाला का आयोजन किया गया, वहीं 12 और 13 नवंबर को वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया गया है। गौरतलब हो कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से आए महिला डॉक्टरों का 3 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत सेन सहित कई चिकित्सकों ने दीप प्रज्वलित कर किया। 3 दिन तक चलने वाले सेमिनार में बिहार झारखंड के साथ साथ देश के कई राज्यों से महिला चिकित्सक यहां पर पहुंची हुई हैं, जिसमें महिलाओं को होने वाले रोगों को लेकर सेमिनार में चर्चा की जाएगी। मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया सहित कई बीमारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर में होने वाले इस सेमिनार से जहां डॉक्टरों को भी इलाज को लेकर कई नई जानकारियां मिलेगी, कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर कविता वर्णवाल, डॉक्टर ऋचा शर्मा, डॉक्टर अंजना प्रसाद के अलावे दर्जनों चिकित्सक मौजूद थे। बाहर से आए पीसी महापात्रा आने वाले सम्मेलन में आए चिकित्सकों को कई टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि नई नई उपलब्धियों को जानना ही हमारी सफलता है। और इसमें जो है आप लोग जान रहे हैं कि इस राज्य के आसपास के राज्य के देश के विभिन्न शहरों से अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग आ रहे हैं भागलपुर में, और इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं जो पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो कॉलेज एंड हॉस्पिटल दोनों के जितने भी डिग्निट्रीज हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं, तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम के सफलता की कामना करता हूँ। भागलपुर इज अ वेरी फेमस सोसाइटी एंड दे यूजुअली कंडक्ट द लाइव सर्जिकल वर्कशॉप, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। कितने बार हम यहाँ आया, ऑपरेशन किया भी, आपके साथ मुलाकात भी हुआ, तो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो द रिसेंट एडवांसेस, व्हाट आर द न्यू थिंग्स इन सर्जरी इन वेरियस एस्पेक्ट्स। सो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, हिस्टोस्कोपिक सर्जरी, वजनल सर्जरी, all will be demonstrated. The faculty has come from various places. I congratulate the Bhagalpur Society for organizing this fantastic conference. वन पदाधिकारी भरत चिंतापल्ली के नेतृत्व में एक टीम ने जगतपुर झील आए पक्षियों और अन्य जीवों का सर्वे किया। वन क्षेत्र पदाधिकारी पृथ्वीनाथ सिंह, पक्षीविद अरविंद मिश्रा, डॉक्टर संजीत कुमार, जगतपुर के मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप यादव, वन रक्षी अमन कुमार और पूनम कुमारी के साथ जगतपुर गाँव में बनाए गए इको विकास समिति के सदस्य भी थे। DFO ने कहा कि जैव विविधता की गणना की जा रही है, यहाँ कुछ नई प्रजाति के पक्षी, तितलियां और कीड़े देखे गए हैं। नया व्याघ्र पतंग प्रजाति का भी पक्षी देखा गया है। यहाँ जलकुंभी से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। मगरमच्छ और घड़ियाल गंगा नदी में बढ़ना सामान्य और प्राकृतिक बात है, इसी सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। सर्वे में पाया गया है कि डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि हुई है। यदि डॉल्फिनों की संख्या बढ़ रही है तो कई छोटे जीवों की संख्या में भी वृद्धि हुई होगी। स्थानीय लोगों की सहायता से डॉल्फिन को पूर्ण संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा गंगा में जाल न लगाए, यह कानून अपराध है। पक्षीविद अरविंद मिश्रा ने कहा कि जगतपुर पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक धरोहर है, सरकार को इसे संरक्षित करना चाहिए। अभी 7 प्रवासी पक्षियों को देखा जा रहा है, यहाँ 165 प्रजाति के पक्षियों को देखा गया है। डेफिनेटली वेरी गुड क्वेश्चन। सो आगे जाके वी आर एक्सपेक्टिंग मोर स्पीशीज टू कम इन, और ज्यादा प्रजाति आएंगे, तो हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा था ये प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज है, तो आगे जाके हो सकता है और एक एक्सरसाइज करना पड़े दिसंबर में, ताकि हमको और एक वेल राउंडेड जो डेटा है वो मिले। देखिए, हम वन विभाग से आए हैं, है ना, तो हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो हम बता सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया है। तो बेसिकली सबको मिलना है, अब सरकार हो, ये प्राइवेट लैंड भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो सभी को एकजुट में आना है। और जो जगतपुर के लिए ज़रूरी है वो हम सबके लिए भी ज़रूरी है। टूरिज्म ज़रूर बन सकता है, क्यों नहीं, पर सबसे पहले जगतपुर का संरक्षण की ज़रूरत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे टूरिज़्म हो जाए और 2-3 साल में अगर जगतपुर ख़त्म हो जाए जलकुंभी की वजह से, भगवान ना करें, फिर टूरिज़्म का कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य ये है कि यहाँ से जलकुंभी सबको हटाएं, ताकि जगतपुर संरक्षण हो जाए, उसके बाद हम इको टूरिज्म का सोच सकते हैं। पर पहले ही यदि टूरिज्म की तरफ हम देखने लगे तो शायद हम कई गलत स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी कंजर्वेशन। यहाँ बढ़ती जा रही है उसकी सफाई, लेकिन जलकुंभी जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के सीजन में और जो लोकल बर्ड्स हैं उनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है उस समय इससे छेड़छाड़ ना की जाए। जब दुर्गा पूजा के बाद और ठंड आने के पहले
इस बीच का जो गैप है एक महीना, उसमें यहाँ की सफाई की जाए। अभी छेड़छाड़ करने का मतलब है जो प्रवासी पक्षी आने शुरू हुए हैं उनको मतलब व्यवधान पहुँचाना। दूसरा, एक ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है झील में, बीच बीच में दीवारें से दिख रही हैं, इसको अपने प्राकृतिक सामान्य जो पहले से यहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम है वो सुंदरता और उस तरह से इसको प्लेन कर दिया जाए, ताकि क्योंकि ये झील तो मुझे लगता है कि सैकड़ों वर्षों से होगी, इसका अपना नेचुरल सिस्टम बना हुआ है चार्ज रिचार्ज का। इसमें मानवीय छेड़छाड़ करना मतलब इस झील को के अपने करैक्टर को चेंज करना, जो कि किसी भी तरीके से एक वेटलैंड के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए उचित नहीं है। नगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अखौड़ी अभिषेक सहाय की अदालत ने बिहपुर थाना क्षेत्र की झंडापुर ओपी के झंडापुर गांव में हुए दहेज हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को 10 वर्ष की सजा दी है। सजा पाने वाले अभियुक्तों में मृतिका के पति झंडापुर निवासी सतीश कुमार ठाकुर, देवर राहुल कुमार, ससुर सकलदेव ठाकुर और इस्माइलपुर के मंधन टोला निवासी जीजा अनिल ठाकुर है। सबों को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 304 बी 120 बी में 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 201 में 3 वर्ष की सजा दी गई है। सभी अभियुक्तों को 5,000 अर्थदंड की भी सजा दी गई है। अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी। सभी सजा 7 साल चलने की बात न्यायाधीश ने अपने फैसले में कही। मालूम हो कि 5 मार्च 2019 को मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के वादरपुर गनौर गांव के निवासी उमेश ठाकुर की पुत्री कुसुम कुमार उर्फ डोली की हत्या गला दबाकर उसके ससुराल वालों ने कर दी थी। कुसुम उर्फ डोली और सतीश कुमार के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों द्वारा 2 लाख रुपए, 1 मोटरसाइकिल और सोने के जेवरात दहेज के रूप में मांगा जाने लगा। कुसुम के माता पिता मुंबई में मजदूरी करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस कारण उन लोगों ने कुसुम के ससुराल वालों को दहेज देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कुसुम उर्फ डॉली को उसके ससुराल में तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। कुसुम अपनी माँ से सब कुछ मोबाइल फोन पर बताती थी। 5 मार्च 2019 को शिवरात्रि थी, लेकिन कुसुम ने अपने माता पिता को एक बार भी फोन नहीं किया। कुसुम के सभी ससुराल वालों का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद कुसुम के पिता उमेश ठाकुर ने झंडापुर के रहने वाले अपने भांजे मुकेश कुमार ठाकुर को फोन किया और उसे कुसुम की खैरियत लेने को कहा। अपने मामा के कहने पर मुकेश कुसुम के घर गया, जहां कोई नहीं था और कमरे में ताला लगा हुआ था। मुकेश ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा खोला तो एक बोरे में बंद कुसुम की लाश मिली, जिसकी हत्या गला दबाकर कर दी गई थी। मुकेश के बयान के आधार पर मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई और अनुसंधान शुरू किया गया। मामले में सेशन ट्रायल चलाया गया, जिसके बाद चारों आरोपी दोषी पाए गए। मामले में अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार शाह उर्फ अरुण कसेरा ने किया। झंडापुर थाना कांड संख्या 81-19 में सजा इस कांड के 4 मुद्दाले के खिलाफ सुनाई गई। मुकदमे का सेशन ट्रायल नंबर 393-19 था, जिस मुकदमे में 304B 201 34 IPC अंतर्गत इस कांड के नामित 4 मुद्दाले के खिलाफ 304B 120B में 10 साल की सजा, 201 भारतीय दंड विधान में 3 साल की सजा और प्रत्येक मुद्दाले के 5,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना का सजा दिया गया। आर्थिक सजा के रूप में रकम का भुगतान नहीं करने पर 3 माह की सजा अलग से सभी मुद्दाले के खिलाफ दी गई और सभी सजाएं साथ साथ चली गई। इसका कारण है कि इस मुकदमे में अभियोजन की ओर से गवाहों ने अपने गवाह के रूप में अभियोजन के मुकदमे को और अपने जो फर्द बयान उनका हुआ था उसको सच्चाई से न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश महोदय के द्वारा दोनों पक्षों के तर्क वितर्क को सुनते हुए उनको दोषी पाया गया और ये जो दंड दी गई ये बिल्कुल दहेज हत्या का मामला है।
पीरपैती प्रखंड के हरिन कोल पंचायत के मुखिया दीपक सिंह मध्य विद्यालय हीरानंद 19 अक्टूबर को औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। मुखिया के द्वारा प्रधानाध्यापिका कुमारी साक्षी से मध्याह्न भोजन एवं बच्चे की उपस्थिति के रजिस्टर मांगने पर प्रधानाध्यापिका के द्वारा नहीं दिया गया, जिसके बाद प्रधानाध्यापिका के द्वारा मुखिया पर रंगदारी एवं रिश्वत लेने के आरोप में 27 अक्टूबर को मामला दर्ज करवाया गया था। मुखिया दीपक सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि मैं ग्रामीणों की शिकायत को लेकर विद्यालय गया था, कई बिंदुओं की शिकायत थी, साफ सफाई से लेकर पढ़ाई, मध्याह्न भोजन एवं शिक्षकों के समय से पहले चले जाना। इस मामले को लेकर जब मैं पहुंचा तो विद्यालय की प्रधानाध्यापिका से विवरण मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया। मैंने 2-3 दिन लगातार विवरण मांगा लेकिन वो नहीं दी। प्रधानाध्यापिका के द्वारा रजिस्टर नहीं देने के बाद मुखिया द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर इस मामले से अवगत कराया गया। दीपक सिंह के द्वारा यह बताया गया कि मेरे द्वारा किसी प्रकार की रिश्वत और मारने पीटने या किसी प्रकार के धमकाने की बात नहीं है, यह सरासर गलत है। जबकि उस विद्यालय के शिक्षक भी उपस्थित थे और शिक्षक से भी इस मामले में पूछने पर बताया ऐसा कोई मामला नहीं था, ऐसे किसी प्रकार के मुखिया के द्वारा गलत बर्ताव नहीं किया गया। मुखिया के द्वारा सिर्फ मध्याह्न भोजन के रजिस्टर की मांग की गई जिसे प्रधानाध्यापिका ने देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर प्रधानाध्यापिका के द्वारा मुखिया दीपक सिंह के विरोध में थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रधानाध्यापिका कुमारी साक्षी ने इस घटना के बारे में पूछे जाने में बताया कि मुखिया जी आए थे और धमका रहे थे। अब बात रजिस्टर की हो रही है तो मध्याह्न भोजन या बच्चे के नामांकन रजिस्टर को देखने का आदेश जनप्रतिनिधि को नहीं है, वो हमारे विभाग के अधिकारी देखेंगे। वही प्रधानाध्यापिका ने बताया कि मुखिया के द्वारा रजिस्टर और 5,000 रुपए लेकर अपने घर आने को कहा गया था। मुखिया के द्वारा फिर से जानकारी दी गई कि एक धमकी भरा खत मेरे 4-व्हीलर की खिड़की में मिला, इसमें जान से मारने की धमकी देने की बात लिखी थी। मुखिया के द्वारा शिक्षा विभाग एवं प्रशासन से निष्पक्ष रूप से जांच करने एवं जान से मारने की धमकी को लेकर सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। बिल्कुल ये सही है, कानून से मुखिया को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह स्कूल की व्यवस्था सही चल रही है कि नहीं, नियमित रूप से टीचर आ रहे हैं कि नहीं, समय से सही से पढ़ाई हो रही है कि नहीं, मिड डे मील की क्वालिटी सही है कि नहीं, इन सबों का निरीक्षण करना मुखिया, पंचायत समिति, शायद जिला परिषद, सबका यह अधिकार क्षेत्र में आता है कानून से। और इसी कानून के आधार पर मैं निरीक्षण करने गया हूँ, गया था और जाऊँगा। और ये जो फर्जी इसका सीसीटीवी जैसे ही लगेगा तो कोई भी जो है गलत प्रत्यारोप आरोप का जो ये सब मामला है ये ख़त्म हो जाएगा। और जनप्रतिनिधि भी निर्भीक होकर अपने समाज के बच्चों के, गरीब बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए मतलब काम तो कोई कदम नहीं उठा रहा है। इसका जो सरकार होगा, मैं राजद में हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। राजद में रहना एक बात है और सही गलत पर प्रश्न उठाना एक बात है, इसका जिम्मेदार राज्य सरकार होगा। मुझे तो यह भी भय है कि उन शिक्षिका के भी को पे भी खतरा है, कोई मेरा दुश्मन उस शिक्षिका को भी नुकसान पहुंचा कर मुझे फंसा सकता है, जिसको कि मैंने अपने सना में मेंशन किया है। उचित नहीं लगता है, आप आइएगा, ढंग से बात कीजिएगा, हल्ला कीजिएगा। वैसे लोग जो कि बार बार विद्यालय को आके मतलब हल्ला हंगामा मचा रहे, उन लोगों के साथ आप आके हल्ला हंगामा घुस जाना सरकारी काम में व्यवधान, ये कहीं से भी उचित नहीं है। छोटे बच्चे डर जाते हैं, हम लोग हैं, महिलाएं बाहर से आते हैं पढ़ाने के लिए आते हैं, सरकारी नौकरी इसलिए आते हैं। अब आप उस जगह पे आ करके दबंगई से बोलेगा तो कोई भी डर जाएगा। क्लासरूम में घुस जाना, हंगामा मचा देना, और कितनी बार होता है, कोई भी जाँच होता है एक बार होता है, आप दिन में 3-4 बार जब जब मन हो रहा है तब तब आ जा रहे हो। ऐसे क्या मुख्य मुद्दा थे जो कि वो दो तीन कोई मुद्दा नहीं है, हम तो बस इतना पूछना चाहेंगे कि भाई इस पंचायत में तो अन्य विद्यालय भी है, घुमा घुमा के यही विद्यालय में इतना जांच करने की क्या। और कल जब हम लोग यहाँ से रास्ते से जा रहे थे, सारे स्टाफ मतलब छुट्टी हो चुकी है, जा रहे हैं, उधर से वो आ रहे हैं साथ जो भी है मीडिया वाले के साथ आ रहे हैं, ये करने के लिए कि भाई हम लोग समय से पूर्व भाग जाते हैं, यही ना साबित करने का है। कौन गया था समय से पूर्व, सब समय से जाते हैं, समय से आते हैं। मैम आपने बोला कि विद्यालय में आके दबंगई, किस प्रकार का दबंगई हो रहा था? अरे उतना आदमी सारे ले करके घुस जाना उधर, अब चार दीवारी नहीं है आपका भी, चार कितना आदमी में करते हैं, कितना करीबन 20-25 आदमी तो हम देखे ही हैं। तो मैम मुखिया जी ही केवल दबंगई कर रहे थे कि 20 आदमी दबंगई कर रहे थे? देखिए आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, शांत से हैं, आपके ऊपर विभाग का भी सारा प्रेशर है। केवल मुखिया जी उस समय में कोई आदमी घुसेगा, आप उतना देखने जाएंगे कि एक आदमी है कि 20 आदमी है कि 25 आदमी है, और क्लासरूम में कितने आदमी। मुखिया जी का मुद्दा क्या था जांच करने का? मुद्दा कुछ नहीं है, उनको बस ऐसे ही दिखाना है कि भाई है मुखिया है तो विद्यालय है। अच्छा ये बताइए, आपके विद्यालय में मुखिया जी के तरफ से एक भी कार्य किया गया है? कोई नहीं कार्य किया गया।
चार दीवारी नहीं है, रास्ता पूरा खुला है, अश्लील गाना बजाते हुए लड़का जा रहा है, आ रहा है, बड़ी बड़ी लड़कियां है। अच्छा, आए थे तो उस दौरान कोई झड़प हुई थी या झगड़ा हुआ था या फिर गाली गलौज हुआ था मुखिया जी और मैडम के साथ? सेवन्थ क्लास में हम उसमें मैथ पढ़ा रहे थे जी जी, तो उसमें सर इंटर के क्लास में इसके बाद बच्चों को देखे जी, फिर मैडम भी उनके पीछे थी, उस समय तो कुछ नहीं हुआ था, वैसा कोई बात नहीं है उसमें, क्लास में कुछ नहीं हुआ था। ये जो मुखिया FIR जो प्रिंसिपल मैडम के द्वारा कराया गया है उसमें कितना सत्य था? FIR किस चीज़ की हुई? इसे रंगदारी से मुखिया जी के द्वारा कहा गया कि मांगा गया है 5 लाख रुपया। रंगदारी, गाली गलौज, मारपीट, हम लोग समझते हैं कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। होमगार्ड में असफल हुए अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए, समाहरणालय का गेट जाम कर प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों की मांग है कि होमगार्ड की बहाली में कई फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए थे जिन्हें उत्तीर्ण होने के बाद हटा दिया गया था, जिसके बाद सीट खाली हुई है और ये लोग मांग कर रहे हैं कि इन्हें खाली स्थान पर बहाल किया जाए। इसको लेकर पिछले कई दिनों से ये लोग समाहरणालय का चक्कर काट रहे थे, वहीं आज जिलाधिकारी से मिलने के बाद ये लोग धरने पर बैठ गए, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी और काफी संख्या में पुलिस बल के द्वारा इन्हें यहां से हटा दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी का कहना है कि विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन है उनके अनुसार कार्य किया गया है, इन लोगों को कोई बहला फुसला कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग सर से मिलने गए थे, आज मिलने दिए, सर बोले कि अभी जो जाने वाला था ट्रेनिंग पे सब जा रहा है, खाली दो चार ठो लड़का बाकी है, उसके जाने के बाद फिर चेकिंग होगा, उसके बाद अगर फर्जी पकड़ाएगा उसके बाद आप लोग का होने का होगा संभावना, तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, होने का होगा तो यहाँ से लिख के देंगे सर, वहाँ से ऑर्डर देंगे तो आप लोग का होगा। धरना पे बैठ गए थे आप लोग गेट पर? धरना पे बोले सर के अंदर SP सर बोले कि हाँ, बोले क्या गृह रक्षक आने वाला सब धरना पे बैठे, बोले सब पे जाके FIR दर्ज करो। FIR दर्ज तभी आप कीजिएगा जब हम आपका तोड़ फोड़ करेंगे, आगजनी करेंगे, जब कुछ किया नहीं तो FIR क्या चीज़ का कीजिएगा। आप लोग को भी जानकारी है कि पूर्व में होमगार्ड की बहाली की गई है, उसमें जो भी विभाग का गाइडलाइन है उसके तहत प्रक्रिया अपनाते हुए लोगों का सिलेक्शन किया गया है, जो भी आपत्ति था उसका ससमय समिति गठन कर उसका आपत्ति का निष्पादन भी किया गया है। उसके बाद भी कुछ लोग हैं जिन लोगों को मतलब इसमें बहुत सारे बच्चों का फर्जी सर्टिफिकेट भी मिला जिसे उनका कैंसिल किया गया, उस पर है कि कुछ लोग का आपत्ति है कि अब मेरा फर्जी सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं है, तो अब ये तो विभाग बताएंगे ना, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी बताएंगे जांच करके, उसी से संबंधित है, ये विद्यार्थी नहीं है, इनके पीछे कोई तंत्र काम कर रही है, तो हम लोग चिन्हित करके जो बदमाशी कर रहे हैं, जो जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई करेंगे। जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग की ओर से सैंडिस कंपाउंड स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल, बैसाखी सहित दिव्यांग जनों को काम में आने वाले अनुपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने हरी झंडी दिखाकर दिव्यांग जनों को दिए गए ट्राईसाइकिल को रवाना किया। दिव्यांग जनों के बीच इसे वितरण किया गया है। आज 59 लाभार्थियों ने ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन दिया था जिन्हें ट्राईसाइकिल दिया जा रहा है। वहीं कोई अन्य दिव्यांगजन ट्राईसाइकिल लेना चाहेंगे तो उनका कागजात लेकर जांच कराकर तुरंत ट्राईसाइकिल दी जाएगी। भागलपुर की सुल्तानगंज के बिस्कोमान भवन में किसानों को 3 दिन से यूरिया खाद नहीं मिलने पर किसानों को परेशानी हो रही है। वहीं मिरहट्टी के किसान महिला व किसानों ने बताया कि 3 दिन से यूरिया खाद के लिए बिस्कोमान भवन के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हम लोगों को यूरिया खाद नहीं मिल रहा। बिस्कोमान भवन के मैनेजर द्वारा यूरिया खाद की कालाबाजारी की जा रही है। वहीं बिस्कोमान भवन के मैनेजर ने बताया कि मशीन खराब है इसलिए किसानों को खाद नहीं दे पा रहे हैं, मशीन ठीक होने के बाद यूरिया खाद दिया जाएगा। वहीं कृषि पदाधिकारी अजय मणि ने बताया किसानों को कल शाम से यूरिया खाद दिया गया है, क्या कारण है, किसानों को खाद क्यों नहीं दिया जा रहा पता लगा रहे हैं। खाद की कालाबाजारी के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया जिससे किसानों को खेत में फसल रोपने में काफी परेशानी हो रही है। यूरिया खाद अगर खेत में नहीं दिया गया तो किसान के फसल बर्बाद हो सकते हैं। वहीं विभाग द्वारा बिस्कोमान में एक ही मशीन दिया गया है जो बार बार खराब होते रहता है, अगर विभाग के द्वारा मशीन में बढ़ोतरी नहीं की गई तो किसानों के फसल बर्बाद हो जाएंगे। करें क्या, रोज आते हैं, रोज घूम के जाते हैं, पर डे का एक क्या हाल है, जब बोलते हैं तो कहता है कल आइए ना, कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, कब होगा, जब खेती पीछे हो जाएगा तब। खाद नहीं मिला है कितना दिन से? 6 दिन से दौड़ रहे हैं। कहाँ से दौड़ रहे हैं? क्या खाद नहीं मिल रहा है? ना खाद नहीं मिला है, 3 दिनों घूरी घूरी जा रहे हैं। कहाँ से घूम रहे हैं? मिरहट्टी से। अपने घूम रहे हैं कहाँ? बिस्कोमान से। कहाँ से घूम रहे हैं? बुलाक से। बिस्कोमान से? हाँ। DAP ना हम लोग को मिल रहा है। क्या दिन से?
कई दिन से कि रोज आते हैं। क्या कहता है? क्या कहता है? कल देंगे, कल देंगे, जब खत्म हो जाता है कहता है खत्म हो गया। जिसको मान सर को खाद नहीं मिल रहा है, क्या दिन से? दो दिन तीन दिन से हम परेशान हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि आ जाएगा कल आएगा, उसके बाद जा रहे तो मशीन खराब है। शुक्रवार को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बीएड पार्ट टू के छात्रों ने अपने रिजल्ट घोषित करने और मौखिक परीक्षा की तिथि बार बार बदलने को लेकर कुलपति कार्यालय के समक्ष दो जोरदार नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया। कुलपति के अनुपस्थित रहने के कारण बीएड के छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने और मौखिक परीक्षा जल्द से जल्द लिए जाने की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं बीएड के छात्र राजकुमार ने बताया कि भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा मौखिक परीक्षा की तिथि बार बार बदले जाने से हम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम सभी छात्र बिहार के अलग अलग जिलों से परीक्षा देने आते हैं और अचानक मौखिक परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया जाता है, जिससे हम लोगों को काफी परेशानी होती है। साथ साथ लोगों ने यह भी कहा कि जल्द जल्द मौखिक परीक्षा लेकर रिजल्ट घोषित नहीं करते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर परीक्षा नियंत्रक बीएड के छात्रों को समझाते हुए जल्द से जल्द मौखिक परीक्षा लेकर 24 नवंबर तक रिजल्ट घोषित करने का आश्वासन दिया, तब जाकर छात्रों ने हंगामा समाप्त किया। हम लोग यहां पर आए हुए थे तो भाईवा का डेट लगातार बढ़ाया गया। जब कारण पूछा गया इनसे तो इन्होंने कहा कि एक कॉलेज वालों ने इनको फोन करके बताया कि वहाँ के छात्र टूर पर जा रहे हैं और उस टूर की वजह से हम लोगों को पूरा टूर करवाया जा रहा है। औरंगाबाद से, जहानाबाद से, चंपारण से लोग आए हुए हैं, इतने परेशान हैं हम लोग। 9 को डेट निकाला गया, कैंसिल कर दिया गया, एक्सेप्टेबल था। फिर 11 को निकाला गया और फिर वो भी कैंसिल कर दिया गया है। आखिरकार हम लोग वीसी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन वीसी जो है हमेशा की तरह नज़ारत रहते हैं, आज भी नहीं आए हैं। अभी तक देख सकते हैं आप, 12:45 का समय हो रहा है, वीसी साहब नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने एग्जामिनेशन कंट्रोलर के साथ जाकर के बातचीत की और उन्होंने हम लोगों को मौखिक आश्वासन दिया है कि 24 तारीख को जो है 24 नवंबर को बीएड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि उनकी बातों पर विश्वास तो हो नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत ऑन कैमरा कहा है, मीडिया वाले भी वहाँ पर मौजूद थे ही, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग भी उसकी रखी है और बार बार ये बात वो कहते रहे कि रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट जारी होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। फाइनली आज उन्होंने एक आश्वासन दिया है, थोड़ी उम्मीद बंधी है, लेकिन देखना होगा कि 24 को क्या होता है। और हम सब लोगों की यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो और इस बार अगर कुछ ऐसा होता है कि डेट एक्सटेंड किया जाता है, चाहे भाईवा का हो या रिजल्ट का हो, तो जो हमारे आंदोलन का स्वरूप है वह थोड़ा सा विकृत होगा और हम लोग नहीं चाहते। हम लोग सर छात्र हैं, शिक्षक प्रशिक्षु हैं। जो नहीं हो सका, एक कॉलेज वाले जो है कहीं से अप्लाई अप्लाई किए और उनके लड़के टूर में जा रहे हैं, जिस चार 18 किए हैं, 19 किए हैं, दो दिन करेंगे, 24 को रिजल्ट। सर एक कॉलेज, अब एक कॉलेज कहीं से क्या आया नहीं आया मेरे पास नहीं आया, हमको आदेश हुआ होगा तो ये रिजल्ट कब घोषित होगा? 24 तारीख को मैं रिजल्ट देने जा रहा हूँ। 24 नवंबर, 9 दिसंबर।